आज अपने पढ़ने वाले हैं डी अरेंजमेंट फॉर्मूला प्रूफ। फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले अपने एक बार देख लेते हैं कि डी अरेंजमेंट फॉर्मूला है क्या और ये फॉर्मूला कौन से सिनेरियोज में एप्लीकेबल है। तो जब भी हम डी अरेंजमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास एन चीजें होंगी और उनके एन असाइंड प्लेसेस होंगे, यानी उनके एन निश्चित स्थान होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए सपोज अपने पास एन लोग हैं, P1, P2, P3 और PN, और उनके घर जो हैं उनको हमने डिनोट किया है H1, H2, H3 और HN से। तो यहाँ पे अजम्पशन ये है, P1 का घर H1 है, P2 का घर H2 है, PK का घर HK है और PN का घर HN है। डी अरेंजमेंट में अपने पास जो N चीजें हैं और N असाइंड प्लेसेस हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी चीज अपने सही जगह पे न जाए। तो ये क्वेश्चन के संदर्भ में हम N लोगों को कितने तरीके से N हाउसेज में अरेंज कर सकते हैं कि कोई भी इंसान अपने सही घर में नहीं जाए, यानी हर घर में गलत इंसान जाए। तो ऐसे सिनेरियो को अपने बोलते हैं यह है डीरेंजमेंट। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से देखें। सपोज अपने पास 5 बॉल्स हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड ऑरेंज, और सपोज 5 बॉक्सेस हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड ऑरेंज। अगर ब्लू ब्लू में गया, रेड रेड में गया, ग्रीन ग्रीन में गया, ब्लैक ब्लैक में गया, येलो येलो में गया, तो मतलब ये ऑर्डर है। अगर अपने को डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होता तो उसमें बोलता कितने तरीके से ये 5 बॉल्स को ये 5 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर सेम कलर का बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, यानी कि ब्लू ब्लू में ना जाए, रेड रेड में ना जाए, इसी तरीके से बाकी कोई भी बॉल अपने सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाए। तो इसको बोलेंगे है डीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। एक जो मेथड है जिससे अपने डीअरेंजमेंट फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं वो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड। तो अपने क्या करेंगे, अपने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज देखेंगे जिससे अपने ये एन लोगों को ये एन हाउसेज में अरेंज कर सकते हैं। तो एन लोगों को एन प्लेसेज में कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो एन लोगों को एन प्लेसेज में टोटल फैक्टोरियल एन तरीके से अरेंज किया जा सकता है। टोटल अरेंजमेंट जो है वो है फैक्टोरियल एन। अब ये टोटल अरेंजमेंट्स में से अपने वो सारे अरेंजमेंट्स माइनस कर देंगे जहां पे एटलीस्ट एक पर्सन जो है वो अपने करेक्ट घर में जाता है। तो अगर हम टोटल में से वो केस माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ वो बचेगा जहां पे कोई भी इंसान अपने सही घर में नहीं जाता है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ये फॉर्मूला अगर प्रूव करना है तो अपना जो डीएन आएगा वो आएगा फैक्टोरियल एन माइनस वो सारे केसेस जहां पे एटलीस्ट एक इंसान अपने करेक्ट घर में जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इवेंट्स डिफाइन करेंगे। सपोज इवेंट A1 है कि P1 H1 में जाता है, इवेंट A2 है कि P2 H2 में जाता है, A3 है P3 H3 में जाता है, ऐसे ही AK है PK HK में जाता है, और AN है कि PN HN में जाता है। तो टोटल में से हम वो सारे केस माइनस करेंगे जहां पे एटलीस्ट एक इंसान जो है अपने सही पते पर जाता है। तो यानी कि N, और यहां पे अपने को चाहिए A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड यूनियन AN। अब ये कितना हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल एन माइनस। अब यहां पे अपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समेशन NA1 माइनस समेशन N A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस समेशन N A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू फॉर ऑल दीज N इवेंट्स। नाउ दिस इज फैक्टोरियल N माइनस, नाउ व्हाट इज NA? नाउ N इज द इवेंट वेयर A गोज टू इट्स ओन हाउस। सो इफ A गोज टू इट्स ओन हाउस देन रिमेनिंग N माइनस वन पीपल दे कैन बी अरेंज्ड इन N माइनस वन हाउसेज इन फैक्टोरियल N माइनस वन वेज। सो इट बी सिंपली फैक्टोरियल N माइनस वन एंड देन हाउ मेनी सच समेशंस विल बी देयर, नाउ विल बी ट्रू फॉर ऑल दीज पीपल। सो फ्रॉम दीज N वी कैन सेलेक्ट दिस वन पर्सन इन NC वन वेज। सो विल बी NC1 इन टू N माइनस वन। नाउ वॉट अबाउट N A1 इंटरसेक्शन A2? इट सिंपली मीन्स P1 गोज टू H1 एंड P2 गोज टू H2। सो दैट मीन्स रिमेनिंग N माइनस टू पीपल दे हैव टू बी अरेंज इन रिमेनिंग N माइनस टू प्लेसेस। इट कैन बी डन इन फैक्टोरियल N माइनस टू वेज। एंड हियर हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल वी कैन हैव, सो फ्रॉम दीज N पीपल वी कैन चूज टू पीपल इन NC2 वेज। नाउ इन द सेम वे फॉर द थर्ड वन वील हैव फैक्टोरियल N माइनस थ्री एंड देन हियर विल बी NC3 एंड दिस सीरीज
it'll continue up to n. So it'll be minus 1 to the power n minus 1. What about A1 intersection, A2 intersection, A3 intersection, AN? So in that case, all these people, they go to their correct places. So it can be done in only one place. So we can write this formula as dn equals factorial n minus, now here it is factorial n minus 1, and nc1 is n upon factorial 1. Now minus n minus 2 factorial, and here it is n minus 1 upon factorial 2. In the same way, this third one will be n minus 3 factorial, n minus 1, n minus 2 upon factorial 3, and this series will continue up to minus 1 to the power n minus 1 into 1. तो इसको अपने आगे लिख सकते हैं dn, और ये है factorial n minus, अब ये n into factorial n minus 1 कितना हो गया, ये हो गया factorial n upon factorial 1, या minus minus plus हो जाएगा, तो n minus 1 into factorial n minus 2, ये भी factorial n हो गया, factorial n divided by factorial 2, ऐसे ही तीसरा वाला क्या हो गया, minus factorial n upon factorial 3, और ये चलते जाएगा, और last में minus और minus, तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे माइनस वन टू द पावर एन इंटू वन. अब क्या करेंगे, इसमें से फैक्टोरियल एन कॉमन ले लेते हैं, तो फैक्टोरियल एन कॉमन ले लिया, तो अपने डीएन को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन, एंड दिस इज वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा माइनस वन टू द पावर एन वन अपॉन फैक्टोरियल एन. तो ये है आपका डीरेंजमेंट फॉर्मूला प्रूफ, और इसी को अगर अपने समेशन फॉर्म में लिखना है तो अपने समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज फैक्टोरियल एन, फिर समेशन के जीरो से लेके एन तक माइनस वन टू द पावर के अपॉन फैक्टोरियल के. तो ये है हमारा डीरेंजमेंट फॉर्मूला प्रूफ. अब अपने आते हैं डीरेंजमेंट के दूसरे फॉर्मूले पे. डीरेंजमेंट का जो एक और फॉर्मूला है जिसको रिकर्सिव फॉर्मूला बोलते हैं, वो है dn is n minus 1 into dn minus 1 plus dn minus 2. तो ये recurring relation है derangement निकालने के लिए. dn का मतलब क्या, dn का मतलब अपने को ये n लोगों को n houses में इस तरीके से arrange करना है कि कोई भी इंसान अपने सही घर में नहीं जाता है. तो अपने इसको लिखते हैं किससे, अपने इसको लिखते हैं dn से. अब suppose p1 के घर में कोई और आ जाता है, तो P1 के घर में P1 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि डीअरेंज कर रहे हैं, तो कौन आ सकता है, तो बाकी के जो N-1 लोग हैं, इन N-1 में से कोई भी एक इंसान P1 के घर में आ सकता है. तो अपने कितने तरीके से ये इंसान को चूज कर सकते हैं, तो अपने N-1 C1 तरीके से ये इंसान को चूज कर सकते हैं. सपोज अपने ये इंसान PK को चूज कर लेते हैं, तो अब PK जो है वो P1 के घर में है. अब कितने तरीके से बाकी लोगों को डीअरेंज किया जा सकता है, तो एक केस वो बनेगा कि जहां पे सपोज P1 जो है वो PK के घर में चले गया, तो यानी कि PK P1 के घर में है और P1 PK के घर में है, तो इसका मतलब बाकी के जो बचे हुए N-2 लोग हैं, अपने को ये N-2 लोगों को डीरेंज करना है. और कितने तरीके से डीरेंज कर सकते हैं, तो बाकी के बचे हुए N-2 पीपल को अपने DN-2 वेज में डीरेंज कर सकते हैं. अब अगर सपोज P1 जो है वो HK के घर में नहीं जाता है, तो अगर P1 HK के घर में नहीं जाता है तो सिनेरियो क्या हो गया, तो अब अपने पास N-1 लोग हो गए और N-1 पोजीशंस हो गए, तो N-1 लोगों को इन N-1 पोजीशंस में डीरेंज करना है. और कितने तरीके से डीरेंज कर सकते हैं, तो N-1 चीजों को अपने DN-1 तरीके से डीरेंज कर सकते हैं. तो यानी कि जो फॉर्मूला अपने पास आया वो आया DN है N-1 into DN-1 plus DN-2. तो ये recurring relation यूज करके अपने D2, D3, D4 ये सब निकाल सकते हैं. अगर सपोज अपने बोलते हैं कि D1 क्या है, अब D1 का मतलब क्या, D1 का मतलब एक आदमी और एक ही घर, एक आदमी को एक ही घर में कितने तरीके से डीरेंज किया जा सकता है, उसको तो डीरेंज किया ही नहीं जा सकता, तो यानी इसमें नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स कितना, जीरो. D2 कितना, अब D2 का मतलब दो लोग सपोज A और B, और उनके घर सपोज ये A का घर और ये B का घर, कितने तरीके से डीरेंज कर सकते हैं, तो B को A के घर में जाना पड़ेगा और A को B के घर में जाना पड़ेगा, यानी D2 का वैल्यू कितना, 1. अब D1 आ गया, D2 आ गया, अब ये फॉर्मूला यूज करके D3 निकालते हैं. D3 कितना हो गया, D3 हो गया, अब यहां पे n का वैल्यू कितना, 3, तो 3-1 2
और ये कितना, ये हो गया 0 प्लस 1, तो d3 का वैल्यू कितना 2, d4, d4 कितना, d4 है n-1 तो मतलब 3, और ये कितना 1 प्लस 2 कितना 9, d5 तो ये 4 और ये 2 प्लस 9, 9 प्लस 2 11, 11 into 4 is 44, तो यहां से अपने सक्सेसिव डीरेंजमेंट वैल्यूज वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये है डीरेंजमेंट फॉर्मूला का दूसरा प्रूफ।